जेवरा सिरसा में एक 8 माह की मासूम बच्ची को एक तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान मासूम बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। दुर्ग के जेवरा सिरसा थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार कार ने 8 माह की मासूम बच्ची रितिका जोशी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, घर के पास खेल रही 8 माह मासूम रितिका जोशी को एक चार पहिया वाहन ने समोदा मोड़ पे ठोकर मार दी। इस मामले में पुलिस ने चालक मुकेश देशमुख के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच करना प्रारंभ कर दिया है। इस मामले में जेवरा सिरसा पुलिस ने बताया है कि सुबह ग्राम समोदा निवासी सुभाष जोशी की पुत्री रितिका जोशी सुबह अपने घर के पास खेल रही थी। उसके पिता भी बाहर ही बैठे हुए थे कि अचानक विपरीत दिशा से तेज रफ्तार कार आई और रितिका को ठोकर मार दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल रितिका को उपचार के लिए परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में दुर्ग CSP मणिशंकर चंद्रा ने इस तरह की जानकारी दी। दुर्ग में जीरा सिरसा चौकी के अंतर्गत समोटा मोड़ के पास एक व्यक्ति अपने 8 माह के बच्चे के साथ खेल रहा था। जो बच्चा है वो खेलते खेलते सड़क में चले गया था, जिसमें उसकी एक्सीडेंट हो गई और उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई है। अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है बच्चे का और आगे जाँच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। इसमें वाहन चालक को पकड़ लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।